जबरदस्त। तो गाइस हमारा पहला शॉट कामयाब हुआ है अभी। वैसे तो काफ़ी शॉट हमने लगाए हैं, लेकिन ये 5-6 शॉट हमारे मिस हुए हैं। और उसके बाद अभी हमने एक टटोली को हंट किया है। वैसे इसके बारे में काफ़ी लोग कहते हैं कि ये हराम है, हालांकि हमने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया है, लेकिन ये हलाल है, हराम नहीं है। इसकी हलाल वाली मुकम्मल निशानियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि ये हराम है, तो काइंडली वो ये भी साथ बताया करें कि जो हराम है तो क्यों हराम है, किस वजह से, और इसकी कौन सी निशानियां हैं जो हराम बर्ड के साथ मिलती हैं। तो ऐसे आप कमेंट कर देते हैं, तो काइंडली थोड़ा अपना रिसर्च कर लिया करें। बेहतरीन शॉट ये जी। हमने दूसरी टटोली को हंट कर लिया है। आज शायद ना फाख्ता हमारे नसीब में नहीं थे, 2-3 फाख्ता हमारे सामने आए लेकिन वो मिस हो गए। तो अभी 2 टटोलियों को हमने हंट कर लिया है, तो अभी आगे चलते हैं। जबरदस्त। तो गाइस 3 टटोलियां हमने हंट कर ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शिकार लग गया हमारा। बस वही बात कि अब 2-3 और फाख्ता हमें मिल जाए। टटोलियों को हम हंट कर लेते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता। फाख्ता का जो मज़ा है ना हंट करने का, वो किसी और बर्ड में नहीं है। फाख्ता को हंट करने में बहुत मज़ा आता है, तो इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हमें कोई ना फाख्ता मिल जाए। लेकिन नसीब की बात, 2-3 फाख्ता हमें मिले थे सुबह सुबह, तो उन पर मैंने ट्राई किया था लेकिन मिस हो गया, क्योंकि ना मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, तो इस वजह से ना मेरे शॉट वो वाले मिस हो गए थे। अभी थोड़ी प्रैक्टिस हुई है तो अभी शॉट तो मिस नहीं हो रहे, लेकिन अब फाख्ता नहीं नज़र आ रहे ना कहीं पे। टाइम भी लेट हो चुका है वैसे। अब हम वापस जा रहे हैं, अल्लाह करे कोई रास्ते में ना फाख्ता मिल जाएगा।